most striking features of Gujarat politics in recent times has been the near total marginalization of the Gujarati Muslim. In this election, the Congress has given 6 Muslims tickets, the AAP 2, the BJP none at all. In the previous assembly, 3 Muslims were elected, including one here in Jamalpur in the old city of Ahmedabad, where Muslims are more than 50% of the population. But here too, there is a new factor. Asaduddin Owaisi's AIMIM is contesting, leading many to believe that the Muslim vote could get split this time. Let's find out what Owaisi is up to in Ahmedabad. AAP chunav, AIMIM chunav, jitne ticket de rahi hai ya ek tarah se एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मैसेज देने कि कहीं ना कहीं जो है हम भी हैं लड़ाई में, ये पहचान बनाने की लड़ाई है या जीतने की लड़ाई है? जीतने की लड़ाई है, हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं सब जीतने के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात समझना कि आज से 2 साल के लिए हमारी पार्टी यहाँ पर आई थी, 20 दिन का समय मिला था हमको, 20 दिन के अंदर पार्टी रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। हम लोग 36 मेंबर को टिकट दी थी, उसमें 26 टिकट जीत के आए, 10 हमारे ये कॉर्पोरेशन के चुनाव में अच्छा उनका रिकॉर्ड है, एक किसी का भी डिपोजिट नहीं किया। अच्छा, वो जो हारे लगभग 100-150 वोट ऐसे कम वोटर्स हारे, तो हम इंशाल्लाह अभी भी जो हमने 14 मेंबर को टिकट दिया उसमें से एक को जीत गया, 13 रहे उसमें से 13 में से ज्यादा जीत के आएंगे। हम लोग कैलकुलेशन करके जो जीतने वाली सीट है वहां पर ही हमने टिकट दिए। अगर हम नहीं, हमको अगर किसी को नुकसान करना होता तो हम 182 सीट पे लड़वाते। क्योंकि आपको कांग्रेस टिकट नहीं दिए हैं इसलिए आप लड़ रहे हैं AIMIM से। अगर आप कांग्रेस को टिकट मिलती आपसे, आपको कांग्रेस देती तो आप कांग्रेस से लड़ते? नहीं नहीं, मैंने कांग्रेस से तो कभी मैं लड़ता ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं लड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने मेरे पास 2 बार मेरे से धोखा किया। रात को टिकट देती है, सुबह किसी और को देती, 2 बार ऐसा किया। कांग्रेस ने रात को आपको टिकट दी, सुबह किसी और को दिया, दो बार ऐसा किया। तो कांग्रेस में आपका विश्वास नहीं है? मैंने तो राजकारण छोड़ दिया था, मैं तो राजकारण, तो फिर वापस क्यों आ गए AIMIM के साथ? इसलिए आया कि मैं जब कांग्रेस के अंदर भी था तो मुस्लिम दलित की क्यादत बढ़ा रहा था, अब भी ये जो पार्टी है दलित मुस्लिम आदिवासी किसी की क्यादत बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये अपने मुस्लिम की आदिवासी की क्यादत बढ़ा रहे, मुझे अच्छा लगा, मैं इनके साथ में ज्वाइन हुआ और मुझे उन लोगों ने ऑफर की। क्योंकि ये कहा जा रहा है गुजरात की राजनीति में अब मुसलमानों के लिए कम जगह रह गई है, 2-3 सीट से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता मुसलमानों, ये आप मानते हैं कि नहीं कि धीरे धीरे बीजेपी के चढ़ने से बाकी पार्टियां भी मुसलमानों को टिकट नहीं देती अब? नहीं, ये सही बात है, मैं भी मानता हूँ कि तीन सीट रह गई है, ये इनका एजेंडा है, बीजेपी कांग्रेस और ये छोटा रिचार्जर आप पार्टी, तीनों का एजेंडा है कि मुस्लिमी की क्यादत खत्म करो। हम लोग मुस्लिमों की क्यादत बढ़ाने के लिए आए ना, इतनी आप मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो हिंदू वोट बैंक की राजनीति करते हैं, दलित मुस्लिम आदिवासी के हमको साथ में लेकर चलता, हमारे साथ में सभी है, हमने काउंसिलर जो बना उसके अंदर एक आदिवासी भी है और हमारी बीना बहन जो है परमार एक अपने SC सीट से भी जीत गया। तो आप मुस्लिम दलित आदिवासी की राजनीति करना चाहते हैं? अभी हम लोग आए हैं तो अच्छा सबको लेकर चले, लेकिन हमारे साथ में ये तीनों, आप वोट कटुआ पार्टी नहीं है? अभी भी नहीं, हम बनेगी भी नहीं, ऐसा हम कभी नहीं, ऐसा भी हम कभी भी नहीं करेंगे। हम लोग क्यादत बढ़ाने के लिए आए और क्यादत बढ़ाएंगे। आप ये मानते हैं 2002 के दंगों के बाद मुस्लिम हिंदू बढ़ गए हैं अहमदाबाद में पूरी तरह से बढ़ गए हैं या नहीं? सही है कि नहीं? नहीं सही बात, ये सही है कि नहीं? नहीं, ये बंटवारा किसने किया, किसने किया? RSS बीजेपी ने किया ना, ये हम लोग कौमी एकता की मिसाल बनेंगे, सबको टिकट देके सबको जीता कर हम एकता की मिसाल बनेंगे। तो आप मुस्लिम वोट बैंक करेंगे, वो हिंदू वोट बैंक करेंगे? नहीं, उनको करना, उनको करने दो हिंदू वोट, करने दो, हम तो सबको साथ में लेकर चलने वाले, सबको साथ में लेकर चलेंगे। और आपके वोटर हिंदू मुस्लिम दोनों हैं? हम हिंदू मुस्लिम वोटर, हम उसी से जीत कर आए थे, हमारी जो जमालपुर की सीट वहाँ पर 40% हिंदू वोट है, 60% वोट मुस्लिम वोट है, और हिंदू वोट तो हिंदू वोट भी मिलेगा आपको, मिलेगा। चुनाव में क्या होगा? यहाँ चुनाव आ रहा है, क्या भाजपा आएगी? भाजपा आएगी? मुस्लिम वोट बैंक हिंदू वोट बैंक की राजनीति चल रही है कि नहीं? मुसलमान एक तरफ, हिंदू एक तरफ, चल रही है। तो कौन इस आम आदमी पार्टी MIM वो सब कर लेंगे जो करना है, बाकी आने की भाजपा है। शांति है कि नहीं? शांति तो है, 27 साल से शांति, 28 साल से। तो आप खुश हैं? हम खुश हैं। आपको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं? हम खुश हैं, तभी तो सरकार चल रही है, अगर खुश नहीं होते भाजपा की जो तो मुस्लिम एरिया में लोग खुश हैं? अब खुश है, बहुत खुश है। ये बताइए जमालपुर में विकास हुआ है कि नहीं? जमालपुर में विकास हुआ है कि नहीं? पूरे गुजरात में विकास हुआ है। क्या हुआ है जमालपुर में? क्या हुआ? पूरे गुजरात में विकास हुआ है।
तो मोदी जी की सरकार ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये ओवैसी वगैरह आ रहे हैं यहाँ कह रहे हैं सब वोट काटू है, ये वोट काटू है, वोट काटू है। मुस्लिम जो समुदाय है ठीक ठाक आपको मोदी जी के साथ है? कोई मुस्लिम भी मोदी जी के साथ है? मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ खुश है? नहीं नहीं। क्यों? बस ऐसे ही ऐसे ही उघाड़ी कर दी, हम क्या खावे क्या कमावे क्या खावे। पर यहाँ यहाँ अब केजरीवाल भी आ गए हैं, ओवैसी भी आ गए हैं, कांग्रेस जो आवे वो सही है। अपने तो रोटी कमा के खाने, महंगाई है, महंगाई बहुत है, थोड़ी कम कर दो तो हम सबको दे दे। तो अगर महंगाई कम हो तो मोदी जी को वोट दोगे कि नहीं? भाई मोदी को नहीं दे। क्यों? अब देने ही नहीं। मोदी जी ने विकास लाया कि नहीं गुजरात? मोदी जी ने महंगाई नहीं करी, मोदी जी ने महंगाई करी। महंगाई है सीट हुए खाली, बस कोई तकलीफ नहीं है, खाली महंगाई की तकलीफ है, बाकी कोई तकलीफ नहीं है, बाकी सब सुख शांति है, हिंदू मुस्लिम सब ठीक है। वो बात नहीं, वो सब पिक्चर वाली बात नहीं जाना। ये ओवैसी केजरीवाल ये सब आ रहे हैं यहाँ चुनाव लड़ने? आएंगे वो जो महंगाई सस्ती करेगा उसको वोट देंगे, जो जो महंगाई कम करेगा उसको आप वोट दोगे, फिर वो बीजेपी हो कोई भी हो। आपकी अरे ये क्या है? पानीपुरी है, पानीपुरी, पानीपुरी। और ये क्या दिया है उसके साथ? बटाना रगड़ा, रगड़ा विद पानीपुरी। अरे वाह, ये बताओ ये इसमें क्या होगा चुनाव में? केजरीवाल आएगा, केजरीवाल, केजरीवाल। इधर केजरीवाल भी है, ओवैसी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी है। ओवैसी ओवैसी का काम नहीं है यार, ओवैसी का कोई काम नहीं है। काम नहीं। क्यों? कि नहीं, वो फेल माना, वो कहता है मैं मुस्लिम मुस्लिमों का हिमायतदार हूँ। कुछ नहीं है, वो तो खाली केजरीवाल आएगा, केजरीवाल आएगा। कांग्रेस? कांग्रेस भी नहीं आएगी, कांग्रेस भी नहीं आएगी। पर मुस्लिम वोट फिर डिवाइड होने वाला है इस बार, खाला केजरीवाल को ही वोट देगा, कोई को नहीं देगा। नहीं, मोदी जी कहते हैं पूरे गुजरात में विकास हुआ है। कोई विकास नहीं किया मोदी जी ने, क्या विकास किया, सब देश तो गिरमी रख दिया।